बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। होपफुली ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड डूइंग वेल एट योर होम्स। विद मी यू पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट द सेक्शन ऑफ पोइट्री एंड वी आर गोइंग टू डू द लास्ट पोइम दैट इज़ इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। इट इज़ द नेम ऑफ द पोइम इज़ इन ब्रोकन इमेजेस, राइट। वाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द एंड बिकॉज एज यू पीपल ऑलरेडी नो इट कि सम ऑफ यू हैव डन लाइक थ्री और फोर पोइम्स एंड सम सेक्शंस हैव डन द सेवन और एट पोइम्स। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द एंड सो दैट ऑल ऑफ यू विल बी doing the same, right? And when the college will open, definitely we will have the same syllabus that is almost done. Let's start today's poem. Bismillahirrahmanirrahim. The name of the poem is In Broken Images, and you can see its text in front of you, right? Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. The name of the poem is In Broken Images, and it starts, he is quick thinking in clear images, I am slow thinking in broken images, right? Now in this poem, like, you will see two characters. One is a third person pronoun and the second is first person pronoun, that is me or I, right? He is quick. Quick ka matlab hota hai tez, theek hai? Thinking in clear images, क्लियर का मतलब होता है वाजिया, इमेजेस का वैसे मतलब होता है अक्स या तशबी, लेकिन यहाँ पर ख्यालात आएगा। ही इज़ क्विक थिंकिंग इन क्लियर इमेजेस, कि वो बहुत, क्विक का मतलब वैसे तेज़ होता है, ठीक है, क्लियर का मतलब वाजिया, कि वो अपने वाजिया ख्यालात में सोचने में बहुत तेज़ है। वो सिमराज यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। जब हम इसको क्रिटिकल एनालिसिस इसका देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो यहाँ पर कौन है। आई एम स्लो थिंकिंग इन ब्रोकन इमेजेस, ब्रोकन का वैसे मतलब टूटा फूटा होता है, लेकिन जहाँ पर आएगा अपने टूटे फूटे ख्यालात हैं, ये शिकस्ता उर्दू में लफ्ज़ होता है ख्यालात। आई एम स्लो, स्लो का मतलब होता है वैसे कम रफ्तार या मध्यम भी इसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सुस्त के मतलब में आएगा। I am slow thinking in broken images, कि वो अपने वाजिया ख्यालात में सोचने में बहुत तेज़ है और मैं अपने टूटे फूटे या शिकस्ता ख्यालात को समझने में या उस में बहुत ही सुस्त रहा हूँ। He becomes dull. Dull का क्या मतलब होता है? Dull का वैसे मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कलरफुल ना हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डल का मतलब कुंद जहन आएगा। ट्रस्ट का मतलब होता है एतबार करना, और क्लियर इमेजेस आप पहले पढ़ चुके हैं, वाजिया ख्यालात। ही बिकम्स डल ट्रस्टिंग टू हिज क्लियर इमेजेस, कि वो अपने वाजिया ख्यालात पर जब एतमाद करता है तो वो बहुत सुस्त हो जाता है। आई बिकम शार्प, शार्प का मतलब होता है तेज़। मिस ट्रस्ट का मतलब होता है बेएतमादी, ब्रोकन इमेजेस का मतलब आप पहले देख चुके हैं कि जब वो अपने वाजिया ख्यालात पर एतमाद कर लेता है तो वो बहुत सुस्त हो जाता है, और मैं जब अपने टूटे फूटे ख्यालात पर बेएतमादी का इजहार करता हूँ और मुझे चीज़ समझ नहीं आती तो मैं तेज़ हो जाता हूँ। क्यों तेज़ हो जाता हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, और आई बिकम इनक्विजिटिव, और आई बिकम, आई हैव too many questions in mind to understand the particular element which I need to understand, ठीक है, कि मैं अपनी ख्यालात को समझने के लिए तेज़ी का मुजाहरा फिर करता हूँ। Trusting his images, he assumes their relevance. Assume का क्या मतलब होता है जी? Assume का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना, ठीक है। यहाँ पर assume का मतलब ये भी आ सकता है के समझ लेना, ठीक है, और अज्यूम बेसिकली कहते हैं एक ऐसी चीज़ को जिसमें आपने कोई प्रूफ नहीं लिया, सबूत नहीं लिया, ठीक है। अज्यूम का मतलब होता है बग़ैर सबूत के किसी चीज़ को आपने मान लिया है। ट्रस्टिंग हिज इमेजेस, के जब वो अपने
ख्यालात पर एतमाद करता है, ही अज्यूम्स देयर रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब होता है ताल्लुक को मान लेना, कि वो अपने ख्यालात पर एतमाद करते हुए उनके ताल्लुक को मान लेता है, यानी उसके पास कोई सबूत तो नहीं है लेकिन उसने उसको मान लिया। मिस ट्रस्टिंग माई इमेजेस आई क्वेश्चन देयर रेलेवेंस। आई क्वेश्चन, ये दोनों उलट लफ्ज़ है, ज्यूम का मतलब होता है मान लेना और क्वेश्चन का मतलब होता है उस पर सवाल उठाना, कि चूंकि मुझे अपने जो तशबीहात हैं, जो अक्स हैं, जो ख्यालात हैं, उनके ऊपर एतमाद नहीं है, इसलिए मैं उनके ताल्लुक पर सवाल उठाता हूँ। अज्यूमिंग देयर रेलेवेंस ही अज्यूम्स द फैक्ट, कि वो चूंकि अज्यूम कर लेता है, ये फ़र्ज़ कर लेता है कि ये चीज़ उसको समझ आ गई है, इस चीज़ का ताल्लुक उसको समझ आ गया है, ही अज्यूम्स द फैक्ट, तो वो उस चीज़ की हकीकत को भी मान लेता है। क्वेश्चनिंग देयर रेलेवेंस आई क्वेश्चन द फैक्ट, कि जब मैं सवाल उठाता हूँ, क्वेश्चनिंग देयर रेलेवेंस, कि मुझे चीज़ की समझ नहीं आती, उसके ताल्लुक की समझ नहीं आई, तो मैं उस पर सवाल उठाऊँगा तो मैं हकीकत पे भी सवाल उठाऊंगा। सवाल उठाने की वजह क्या है? बिकॉज़ उसको समझ नहीं आई ना किसी भी बात की, इसलिए वो उस पर सवाल उठाएगा। वेन द फैक्ट फेल्स हिम ही क्वेश्चन हिज सेंसेस। अब बात बिल्कुल उलट हो गई, कि जब हकीकत में वो नाकाम हो जाता है तो वो फिर परेशान होता है या वो सवाल उठाता है। वेन द फैक्ट फेल्स मी आई अप्रूव माई सेंसेज, और जब मैं नाकाम होता हूँ तो मैं तो कहता हूँ कि ज़ाहिर है मेरी सेंसेस ठीक है, मुझे पहले ही पता था कि मैंने नाकाम होना है क्योंकि मैं चीज़ों पे सवाल उठा रहा था। ही कॉन्टिन्यूज क्विक एंड डल इन हिज क्लियर इमेजेस, कि वो दोबारा से तेज़ शुरू होता है, कॉन्टिन्यूस दोबारा से शुरू करता है तेज़ी के साथ, एंड डल इन हिज क्लियर इमेजेस, अपने ख्यालात को समझने में। आई कॉन्टिन्यू स्लो एंड शार्प इन माई ब्रोकन इमेजेस, और मैं दोबारा सुस्त होता हूँ लेकिन तेज़ी से समझता हूँ अपने ख्यालात को। ही इन अ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग। कन्फ्यूजन को उर्दू में तजबजब कहते हैं, और कन्फ्यूज़ होने का मतलब आपको पता ही है, बिवल्डरमेंट भी होता है, पजलमेंट भी होता है, पर चीज़ का समझ में ना आना भी होता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ आ जाना, किसी चीज़ की आगही होना। वो एक नई कन्फ्यूजन में होता है कि उसको चीज़ें आप समझ आ रही हैं, और मैं समझ आ रहा होता है मुझे इस बात का कि मैं क्यों परेशान था, ठीक है। अब बच्चों, आपको ये पोएम बज़ाहिर तो कुछ डिफरेंट सी लगी होगी, कि इसमें उसने दो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं राइटर, जो कि रॉबर्ट ग्रूव्स है, सॉरी रॉबर्ट ग्रेव्स है। उसने दो डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात की गई है, उसने दो डिफरेंट अप्रोचेस दी हैं इनफैक्ट टुवर्ड्स द इमेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। एक अप्रोच वो है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, राइट, कॉन्फिडेंट होते हैं। एक अप्रोच ये है कि आप ज़िंदगी में बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, और इसी वजह से आप बहुत हेस्टी भी होते हैं। हेस्टी का मतलब होता है कि आप बहुत तेज़ी से काम करने के, ये एक अप्रोच है लाइफ की तरफ। और दूसरी अप्रोच लाइफ की तरफ ये है कि आप स्लो हों और स्टडी हों। दूसरी अप्रोच क्या है लाइफ की तरफ, कि आप स्लो भी हैं और आप स्टडी भी हैं। स्टडी का क्या मतलब होता है, कि आप है ना, कि वो जो आहिस्ता चलते हैं और मुसलसल मिजाजी से या मुस्तकिल मिजाजी से चलते हैं, वो अपने फासले भी तय कर लेते हैं और अपना जीत भी जाते हैं। तो बिल्कुल ये ऐसे ही इस पोएम का मतलब भी यही बनता है, कि द वन हु ट्रस्ट हिज इमेजेस विदाउट प्रूफ बिकम्स डल, एंड वाई, बिकॉज ही स्टॉप्स इंक्वायरी इन टू द थिंग्स, राइट। एंड वन हु इज़ ओवर कॉन्फिडेंट इन हेस्टी, द अदर वन हु इज़ वेरी स्लो इन स्टडी, राइट। इसको आप इस पोइम को यूँ भी समझ सकते हैं कि ज़िंदगी में हमें हमेशा इंक्विजिटिव रहना चाहिए, हमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, हमें क्वेश्चनिंग की आदत होनी चाहिए। किस चीज़ की आदत होनी चाहिए? क्वेश्चनिंग की आदत होनी चाहिए, और हमें चीज़ को बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी सबूत के मान नहीं लेना चाहिए। ज़िंदगी में हमारा एटीट्यूड इनक्विजिटिव होना चाहिए, राइट।
आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि द पर्सन हु रिमेन्स बिलीविंग इन हिज क्लियर इमेजेस कीप्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम रियलिटी, कि वो शख्स जो चीज़ों को बग़ैर सबूत के मानते रहते हैं, असल में वो हकीकत से बहुत दूर होते हैं. एंड हु सो एवर इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ रेलिवेंस ऑफ हिज क्लियर इमेजेस, बट द पोइट सेज दैट ही मिस ट्रस्ट हिज इमेजेस एंड कम टू द फैक्ट ही नेवर टेक्स एनी थिंग फॉर ग्रांटेड. लाइक ही इन्वेस्टिगेट्स एंड चेक्स इट्स रेलिवेंस एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड डिफरेंट थिंग्स, राइट. ही वॉन्टेड टू हैव द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरी थिंग, दैट इज़ वाई ही कीप ऑन क्वेश्चनिंग द डिफरेंट थिंग्स. द आइडिया इज़ दैट वी मस्ट थिंक अबाउट डिफरेंट आइडियाज़ बिफोर एक्सेप्टिंग देयर रियलिटी, राइट. अब इस पोइम में कोई आपसे पूछे कि इसका थीम क्या है, तो डेफिनेटली आप ये कहेंगे कि इस पोएम में दो डिफरेंट अप्रोचेस टुवर्ड्स लाइफ दी गई हैं. एक अप्रोच उन लोगों की है जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, इन जिनको हम ओवर कॉन्फिडेंट इनफेक्ट कहते हैं, जो बहुत तेज़ी में काम करते हैं, जो ये वाली अप्रोच मैंने आपको बताई. और दूसरे वो लोग हैं जो स्लो तो होते हैं, आहिस्ता होते हैं, लेकिन वो हर काम सोच समझ कर करते हैं और किसी भी चीज़ को उस हकीकत तब तक नहीं मानते जब तक उनके सॉलिड प्रूफ उनके पास नहीं आ जाते, राइट. और इसका थीम आप यूं भी कर सकते हैं कि जो क्यूरोसिटी है, जो क्वेश्चनिंग की आदत है, ये चीज़ों को समझने के लिए क्वेश्चन एक होता है, क्वेश्चन आप बगैर वजह के करते हैं किसी को तंग करने के लिए, एक क्वेश्चन वो होता है जो आप चीज़ को समझने के लिए करते हैं. तो जाहिर है जो जितना क्वेश्चनिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसका बेहतर होगा उसको क्वेश्चनिंग की भी आदत होगी, राइट. तो इसलिए अब आपको भी कोई ना कोई क्वेश्चन करना चाहिए ज़रूर कि आपको पोइम समझ आई है या नहीं. होपफुली आपको कुछ थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी. आप इसको एक दफ़ा पढ़ें खुद से, और ये जितने वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं इनके मैंने साथ साथ आपको मीनिंग बताएं. एक दफ़ा दोबारा पोइम को सुने और उसके मीनिंग्स जो हैं अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करें और उनको याद करने की कोशिश करें. कल इंशाल्लाह ताला हम इस पोइम की एक्सरसाइज करेंगे, राइट. थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़.